हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड टाइम चला हुआ है, तो ऐसे में बाहर का खाना मोस्टली सब ने बंद ही कर रखा है। और ऐसे में घर में आपको कुछ चटपटा खाने का मन है तो आप चाट वगैरह बनाकर खा सकते हैं, और आपको घर पर बनी चाट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए आज आपको बताती हूँ मैं घर पर चाट कैसे बनाते हैं, वो भी एक नए स्टाइल में। इसे बोलते हैं मुंबई की स्पेशल चाट, कटोरी चाट। इसे बनाना बहुत ही इजी है। ये देखने में जितनी अच्छी लगती है, खाने में भी उतनी अच्छी लगती है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। कटोरी चाट बनाने के लिए मैंने लिया एक बाउल। बाउल में मैंने लिया मैदा। मैंने 4 चम्मच मैदा ली है, और कटोरी से नाप करें तो मैंने 1 कटोरी मैदा ली है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। मैंने आधी चम्मच सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन डाली है। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से कर्स करके डालना, जिससे कि टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालूँगी मोन। मोन आप घी का डालेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे आप रिफाइंड या ऑयल, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन घी का मोइन डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। अब मैं इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर दूँगी। मोइन को मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखो, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। इसको चेक करने के लिए हम थोड़ी सी मैदा हाथ में उठाएंगे। वो देखो, ये एक लड्डू सा बन जाता है, तो हमारा मोइन बिल्कुल ठीक है। इस तरह से मोइन को और मैदा को मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और पानी को हल्का गर्म कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने सॉफ्ट डो बना लिया है। डो को ना ज़्यादा टाइट रखना और ना ही ज़्यादा मुलायम करना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। आटे को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गई है। ये देखो, आटा एकदम सेट हो गया है। अब हम इसे अच्छे से हाथ से मसल लेंगे। अब हम आटे की लोइयां बना लेंगे। मैंने आटे को 3 बराबर लोई में बांट लिया है। अब हम एक लोई लेंगे, लोई को रखकर बेलन से बेल लेंगे। हम इसे पूरा बड़ा रोटी की तरह बेल लेंगे, रोटी ही बना लेंगे एक बड़े वाली। हमारे पास जिस साइज़ की कटोरी है, हम उसी हिसाब से रोटी बनाएंगे। अगर आपके पास छोटी कटोरी है, आप छोटी रोटी बना सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी कटोरी है तो आप बड़ी रोटी बना लेना। जिस कटोरी के साइज़ की आपको चाट के लिए कटोरी बनानी है, आप इतनी बड़ी ही रोटी बनाना। ये देखो, मैंने रोटी बना ली। अब हम एक फोग लेंगे, उससे मैं इसमें छेद कर दूँगी। इससे क्या होगा कि हम जो कटोरी बनाएंगे फूलेगी नहीं। अगर हम छेद नहीं करेंगे तो वो कटोरी फूल जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी, फूली फूली पूरी की तरह बन जाएगी। अगर आपके पास फोग नहीं है तो आप टूथपिक भी ले सकते हैं, टूथपिक से छेद कर लेना। आपके पास जो भी आप उसी से छेद कर सकते हो। ये देखो, मैंने पूरी में छेद कर दिए। अब हम इस कटोरी की साइज़ की अपनी कटोरी बनाएंगे। ये देखो, ये फूल है। अब मैं इस पर ऑयल लगा लूँगी थोड़ा सा। कटोरी पर ऑयल लगाने से जो हमारी मैदा की रोटी बनी है, ये इस पर चिपकेगी नहीं। ऐसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ये देखो, अब हम कटोरी को इसके बीच में रखेंगे और चारों साइड से रोटी को उठाते हुए कटोरी पर चिपका देंगे। मैंने अपनी पूरी रोटी को कटोरी पर चिपका दिया। ये देखो, ये अंदर से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये छूट ना जाए। अगर एक्स्ट्रा है तो उसे हटा देंगे।
ये हमारी कटोरी बनकर रेडी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले से ही रख दिया था। ऑयल को अच्छा गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छा गर्म हो गया, अब हम अपनी एक कटोरी ऑयल में छोड़ देंगे। इसको अच्छे से पकने देंगे, चिमटे की सहायता से इसे नीचे दबा देंगे। ये देखो हल्की ब्राउन हो गई है। अब हम एक चमचा लेंगे, उसे इसे अच्छे से दबा देंगे और जो हमारा ऑयल है उसे कटोरी में भर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी कटोरी अंदर से भी काफ़ी गर्म हो जाएगी और ये इसे मैदा की बनी रोटी को छोड़ देगी। हम कटोरी में ऑयल डालकर इसे अच्छे से पकाएंगे। ये देखो हमारी साइड से जो रोटी थी हमने कटोरी पर चिपकाई थी वो हटने लगी है। थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी, ये पक जाएगी तो अपने आप कटोरी को छोड़ देगी। ये जितना पकने लग रही है उतना कटोरी को छोड़ते जा रही है। अब एक नाइफ़ की सहायता से हम दबा देंगे ताकि कटोरी अच्छे से निकल जाए। ये देखो चार साइड से कटोरी ने छोड़ दिया है, हमारी कटोरी बाहर निकल गई है। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। हम इसके अंदर ऑयल भर देंगे ताकि अच्छे से भी अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी। ये देखो बिल्कुल ब्राउन हो गई है, ये अच्छे से पक गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बहुत गर्म है इसलिए चिमटे की सहायता से या किसी और करछे की सहायता से पकड़ कर बाहर निकालना। ये देखो कितनी अच्छी पकी है हमारी कटोरी। ये मेरी कटोरी थोड़ी बड़ी थी तो ये बड़े साइज़ की बनी है। अब हम आपको दूसरी लोई से दूसरे तरीके से कटोरी बनाना बताएंगे। ये तो हमारी सिंपल कटोरी थी, अब हम आपको एक डिजाइन में कटोरी बनाना सिखाएंगे। हम दूसरी लोई को भी ऐसे रोटी की तरह बेल देंगे। ये देखो मैंने बेल ली है। इसमें ये फ़र्क है, इसमें हम छेद नहीं करेंगे किसी फोक या टूथपिक की सहायता से। अब हम नाइफ से इसकी छोटी छोटी लंबी लाइन की उससे काट लेंगे। इसे बराबर बराबर लंबा काट लेना है। ये देखो मैंने काट लिए। अब मैं इसे दोनों साइड से बराबर कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा है उसे काट देंगे। ये जो हमारी लंबी पट्टियाँ बनी है जो ये बराबर साइज़ की। अब हम एक कटोरी लेंगे, उस पर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगा के हम उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। हम एक एक पट्टी उठाएंगे जो आटे की बनाई है हमने, और कटोरी के ऊपर लगा देंगे डिज़ाइन की सहायता से। एक लंबी लगाएंगे और एक फिर साइड से लगाएंगे। ऐसे लगा कर अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। हम इसे रख लेंगे उल्टा करके। एक पट्टी लेंगे, अब जो पट्टी हमने कटोरी पे लगाई है उसे एक को उठाएंगे और एक को नीचे दबा देंगे। ऐसे ही सारी में हम डिजाइन बना लेंगे। एक पट्टी को उठाते जाएंगे और एक को नीचे दबाते जाएंगे। ऐसे ही हम पूरी कटोरी पे डिजाइन बना लेंगे। देखो हम एक पट्टी नीचे दबा रहे हैं और एक पट्टी को ऊपर उठा रहे हैं। ऐसे ही पूरी कटोरी पे डिजाइन बन जाएगा। ये बनाना बहुत ही इजी है, जब आप बनाओगे तो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा और ये देखने में बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है। देखो मेरा पूरा डिज़ाइन बन गया है, लग रहा है ना देखने में अच्छा। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा पहले से ही गर्म है। हम इस कटोरी को ऑयल में छोड़ देंगे आराम से। अब हम चिमटे से इसे नीचे से दबा देंगे। और जैसे हमने पहली कटोरी पकाई है इसे भी ऐसे ही पका लेंगे। इसके अंदर ऑयल भर देंगे। ये डिज़ाइन में वो प्लेन थी इसलिए जल्दी ही छूट जाएगी, अपने आप ही छूट जाती है क्योंकि इसके बीच में गैप होता है, उसमें ऑयल भर जाता है अपने आप ही। इसमें हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही कटोरी मैदा को छोड़ देगी। देखो मैं ज़रा सी टूट गई है गाइस। ये टूटने का कारण ये गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरी जो एक ये पट्टी थी वो छोटी हो गई थी, मैंने उसमें जोड़ लगाया तो वो हट गई है। ये देखो ये हमारी डिजाइन की कटोरी भी रेडी है। मेरी कटोरी इस आकार की थी इसलिए इसी आकार में बनी है। अगर आपकी कटोरी लंबे या गोल आकार की तो आपकी जो ये कटोरी बनेगी वो भी उसी साइज में बनेगी। अब हम इसे फिल करेंगे। मैंने कुछ चने लिए, मैंने इन्हें उबाल लिया था।
कुछ थोड़े से चने डालकर इसमें डालूंगी 2 चम्मच ओनियन, मैंने ओनियन को बारीक कट कर लिया था, 2 चम्मच टमाटो, 1 चम्मच खीरा, खीरे और टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया, 1 चम्मच आलू, आलू मैंने बॉईल करके बारीक टुकड़ों में कट कर लिया। अब डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन सॉस, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच रेड सॉस, क्योंकि इसका टेस्ट खट्टा मीठा लाना है हमें। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच दही, दही से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब थोड़े से चने ऊपर से डाल दूंगी, और जो मेरी ये जो पट्टियाँ बनाई थी हमने, ये एक तरह से स्नैक्स ही बन गया था। मैं उसे काट कर छोटे छोटे पीस डाल दूंगी। अब इसमें डाली है 1 चम्मच आलू की भुजिया, अब थोड़े से ओनियन ऊपर से डाल देंगे। अब हम दूसरी कटोरी को फिल करेंगे, इसमें भी ऐसे थोड़े से चने डाले हैं और 1 चम्मच ओनियन डालेंगे, 1 चम्मच टमाटर डाले हैं बारीक कट करके, और 1 चम्मच डाले मैंने खीरा, 1 चम्मच पटेटो जो मैंने बारीक कट कर लिए थे, अब थोड़े से चने, 1 चम्मच दही, अब आलू की भुजिया। ये देखो मेरी दोनों कटोरी रेडी है, मैंने इन्हें दोनों को फिल कर दिया है। तो बताओ गाइस कैसी लगी मेरी ये कटोरी। अगर आपको मेरी चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।